हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन को, दैट इज गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन क्या है, यहाँ पर हम प्रिपेयर करते हैं अमाइंस को। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है प्रिपेयर करने का अमाइंस को, एलिफेटिक और एरिलकाइल अमाइंस को। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मैथड, यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, किसकी प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ प्योर एलिफेटिक और एरिलकाइल अमाइंस। प्योर एलिफेटिक और एरिलकाइल अमाइंस को ऑब्टेन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन का। तो यहां पर हम क्या लेते हैं, थैलेमाइड को लेंगे। थैलेमाइड का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, C डबल बॉन्डो, यहाँ पर N और यहाँ पर H। क्या नाम है इसका, थैलेमाइड। क्या है, थैलेमाइड। यहाँ पर जो NH है ये क्या है, इमीनो ग्रुप। और ये जो हाइड्रोजन होती है इमिनो ग्रुप की, क्या होती है, एसिडिक होती है, एसिडिक इन नेचर। सो यहाँ पर क्या है, इमिनो ग्रुप है थैलेमाइड में, और जो इमिनो ग्रुप की जो हाइड्रोजन है वो क्या है, एसिडिक है। तो इसको हम किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, विद एल्कोहलिक KOH। किसके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ। तो जो थैलेमाइड है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, यहाँ पर है बेंजीन, C डबल बॉन्डो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, N, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, की पॉजिटिव, N नेगेटिव एंड की पॉजिटिव, वाटर माइनस ऑफ वाटर, वाटर निकल जाएगा, और जो हमारा कंपाउंड है वो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्डो, N नेगेटिव की पॉजिटिव, H की जगह क्या आ गया, यहाँ पर की पॉजिटिव आ गया। तो क्या नाम हो गया इसका, पोटेशियम थैलेमाइड। क्या नाम हो गया, पोटेशियम थैलेमाइड। उसके बाद इसको रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, RX के साथ, हीट करेंगे। जो पोटेशियम थैलेमाइड ऑब्टेन्ड हमें हुआ है, उस पोटेशियम थैलेमाइड को क्या करेंगे, हीट करेंगे विद एल्काइल और एरिलकाइल हैलाइड। किसके साथ करेंगे इसको हीट, हीटिंग विद एल्काइल और एरिलकाइल हैलाइड। तो किस कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी, C डबल बॉन्डो, और यहां पर क्या आ जाएगा, N, और यहां पर K की जगह क्या आ जाएगा, अब N नेगेटिव एंड R पॉजिटिव, और यहां पर क्या आ जाएगा, ये K पॉजिटिव एंड X नेगेटिव, माइनस ऑफ K पॉजिटिव एंड X नेगेटिव, और यहां पर क्या आ जाएगा, N नेगेटिव R पॉजिटिव। तो क्या बन गया वो, एन एल्काइल थैलेमाइड। अब यहां पर जो के था, के पॉजिटिव, पोटेशियम की जगह क्या आ गया, आर पॉजिटिव, और क्या निकल गया हमारा, के एक्स, पोटेशियम हैलाइड, और ये क्या बन गया हमारा, एन एल्काइल थैलेमाइड। अब एन एल्काइल जो थैलेमाइड है ये क्या होता है, इसकी क्या होती है, हाइड्रोलाइज्ड होता है ये। एन एल्काइल जो थैलेमाइड बना है क्या होता है, ये हाइड्रोलाइज्ड होता है, प्लस में ट्वाइस ऑफ HOH हाइड्रोलाइज्ड होगा, यहाँ पर HIN और OHIN, किसके साथ, विद 20% HCl, किसके साथ, विद 20% HCl अंडर प्रेशर, या फिर हम यूज करते हैं रिफ्लक्सिंग विद एल्कली सॉल्यूशन, हीटिंग विद 20%, ठीक है। तो जो एन एल्काइल थैलेमाइड ऑब्टेन्ड हुआ है वो क्या होगा, अब हाइड्रोलाइज्ड होगा किसके साथ, हीटिंग विद 20% HCl अंडर प्रेशर और रिफ्लक्सिंग विद एल्कली सॉल्यूशन। या तो उसको हीट करेंगे हम 20% HCl अंडर प्रेशर में, या फिर क्या करेंगे, रिफ्लक्स करेंगे विद एल्कली सॉल्यूशन। तो हमें किसका क्या ऑब्टेंड होगा, हमें थैलेमाइड, थैलिक एसिड। थैलेमाइड तो हमने स्टार्टिंग में लिया था, यहाँ पे क्या बनेगा, अब
थैलिक एसिड बनेगा। ये क्या है? थैलिक एसिड। और प्लस में क्या ऑब्टेन होगा? प्राइमरी अमाइन RNH2। क्या ऑब्टेन हो गया हमें? प्राइमरी अमाइन, जो कि हमें चाहिए था, जिसके लिए हम ये रिएक्शन कर रहे हैं। सो ये क्या है? हमारी गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। तो इसको हम दोबारा से रिवाइज कर दें एक बार। सो ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है प्रिपेयर करने का प्योर एलिफेटिक और एर एल्काइल अमाइंस को। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? यहाँ पर हम लेंगे थैलामाइड। थैलामाइड को यहाँ पे क्या है? हमारा इम्यूनो ग्रुप है, और इम्यूनो ग्रुप की जो हाइड्रोजन है वो क्या है? एसिडिक है। इसको हम रिएक्ट करवाएंगे एल्कोहलिक KOH के साथ, तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? पोटेशियम थैलामाइड की। जो यहाँ पर H था उसकी जगह क्या आ जाएगा? हमारा K पॉजिटिव, तो क्या बन गया? पोटेशियम थैलामाइड। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे? रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ? RX के साथ। एल्काइल हीट करेंगे, जो पोटेशियम थैलामाइड है उसको हम हीट करेंगे विद एल्काइल और एराइल हैलाइड के साथ, तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? N एल्काइल थैलामाइड की। K पॉजिटिव की जगह क्या आ जाएगा? R पॉजिटिव N एल्काइल थैलामाइड। अब जो N एल्काइल थैलामाइड है उसकी क्या होगी? हाइड्रोलाइज्ड होगा वो प्लस में ट्वाइस ऑफ HOH, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। यहाँ पर या तो हम हीट करेंगे किसके साथ? 20% HCl अंडर प्रेशर, या फिर रिफ्लक्स करेंगे विद एल्कली सॉल्यूशन। तो किसके ऑब्टेंड क्या ऑब्टेंड हमें हो जाएगा? थैलिक एसिड प्लस में प्राइमरी अमाइन। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या था? प्राइमरी अमाइन, और इससे हमने क्या ऑब्टेन कर लिया? प्राइमरी अमाइंस को ऑब्टेन कर लिया। तो ये क्या थी? हमारी गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। एग्जाम्पल लेते हैं अब हम। यहाँ पर हम लेंगे एन एल्काइल थैलामाइड को, फिर हम लेते हैं C2H5, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? N-methyl थैलामाइड। क्या नाम है? N-ethyl थैलामाइड, N एल्काइल थैलामाइड हम ले रहे हैं। प्लस में इसको हम क्या करवाएंगे? हाइड्रोलाइज्ड करवाएंगे बाय रिफ्लक्सिंग विद एल्कली सॉल्यूशन और बाय हीटिंग विद 20% HCl अंडर प्रेशर। तो क्या ऑब्टेंड हो जाएगी? प्राइमरी अमाइन C2H5NH2। क्या नाम है इसका? इथाइल अमाइन। और प्लस में क्या ऑब्टेंड होगा? थैलिक एसिड। और क्या ऑब्टेंड हो जाएगा? थैलिक एसिड। प्राइमरी अमाइंस को हम एक और तरीके से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम एन एल्काइल थैलामाइड का क्या करवा दें? हाइड्रोजिनोलिसिस, मीन्स टू सी क्लेवेज बाय हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन से क्लेवेज करवाएंगे, तो भी हमें क्या ऑब्टेन होंगी? प्राइमरी अमाइन। यहाँ पर क्या लेंगे? हाइड्रोजीन NH2। ये क्या है? हाइड्रोजीन। तो क्या ऑब्टेन होगा इससे? प्राइमरी अमाइन C2H5NH2। क्या नाम है इसका? इथाइल अमाइन। प्लस में क्या ऑब्टेंड हो जाएगा? C डबल बॉन्डो। यहाँ पर NH इस टाइप से, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? क्या नाम होगा? थैल हाइड्राजाइड। क्या नाम हो गया? थैल हाइड्राजाइड। तो यहाँ पर हमने किससे प्रिपेयर किया है? हाइड्रोजीन से भी हम जो प्राइमरी अमाइंस है उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगी? क्लीवेज होगी एन एल्काइल थैलामाइड जो हम ले रहे हैं बाय हाइड्राजीन, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? प्राइमरी अमाइंस मिल जाएगा, प्लस में क्या है? थैल हाइड्राजाइड। सो ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने देखा गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन को, इससे हमने प्रिपेयर किया है प्योर एलिफैटिक और एर एल्काइल जो अमाइंस हमारे हैं उनको।